हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 2.2। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x-4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला है कि x = 0, दूसरा नंबर में x = -1 और तीसरा में है x = 2। तो देखिए, इसको सॉल्यूशन करना है। तो हमारा सवाल ये दिया हुआ है कि 5x-4x² + 3। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है कि x = 0, यानी जहां जहां x होगा वहां वहां हम मान 0 बैठाएंगे। तो देखिए, 5 × 5 × x का मान कितना रखना है, 0 लिखेंगे। -4 × x का मान कितना रखना है, 0। 0 का स्क्वायर है स्क्वायर, प्लस 3 है 3। 5 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। -4 × 0 का अगर स्क्वायर हम करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, प्लस 3 है 3। यहाँ होगा 0 माइनस 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, प्लस है प्लस 3 है 3। ये 0 0 खत्म होगा, क्या बचा, 3। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। अब दूसरा बार देखिएगा, सवाल यही है, 5x-4x² + 3। अब हमको x का मान कितना बैठाना है, -1। तो देखिएगा, 5 × x के जगह पे हमको -1 रखना है, -4 × x के जगह पर -1 का स्क्वायर, प्लस है प्लस 3 है 3। 5 में अगर -1 से गुना करें तो 5 के पहले प्लस है, 1 के पहले माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 5 × 5 - 4 = 4 गुना, अगर -1 का स्क्वायर करना है कि -1 × -1, तो माइनस माइनस जब गुना होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 1 × 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा प्लस 3। अब -5 है, -4 में 1 से गुना करेंगे 4 होगा, प्लस 3। अब यहाँ पे देखिएगा, -5 और -4 दोनों जुड़ जाएगा तो -9 हो जाएगा, प्लस 3। अब 9 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा -6। यही हमारा क्या होगा, आंसर। अब देखिएगा, तीसरा नंबर में है कि x = 2 रखना है हमको। तो देखिएगा, इसको भी हम लोग हल करेंगे सॉल्यूशन। तो हमारा सवाल है 5x-4x² + 3 है। तो देखिएगा, इसको यहाँ पे 5 है, 5 × x के जगह पे हमको 2 रखना है, 2 रखेंगे। -4 × x के जगह पे 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 है 3। अब 5 में 2 से गुना करेंगे, 5 × 2 = 10, -4 × अब देखिएगा, 2 के 2 बार लिखना है, यानी कि 2 × 2 तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 + 3, 10 है 10, -4 में 4 से गुना करेंगे, 4 × 16, प्लस 3 है 3। अब देखिएगा, पहले प्लस को जोड़ेंगे तो ये इसके पहले प्लस, अब इसके पहले प्लस, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 3 = 13 हो जाएगा। -16 है 16, 13 में से 16 नहीं घटेगा, तो 16 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए, देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमारा पहला नंबर सवाल है P इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक। देखते हैं, देखिएगा ये हमारा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P इंटू जीरो। पहला बार हमको P इंटू इंटू में है, हमको P के बाद जीरो मान रखना है, फिर एक मान रखना है, फिर दो मान रखना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमको मान कितना रखना है, जीरो। तो y जहां जहां रहेगा हम मान जीरो रखेंगे। तो देखिएगा p है p इंटू वाई का मान सबसे पहले हम लोग जीरो रखेंगे, तो जीरो बराबर y का मान जीरो है तो जीरो का स्क्वायर माइनस y की जगह जीरो प्लस एक है। और देखिएगा p इंटू जीरो बराबर जीरो का अगर स्क्वायर यानी जीरो गुना जीरो करें तो जीरो ही होगा, माइनस जीरो प्लस एक ये कट जाएगा, तो क्या बचा, p इंटू जीरो बराबर क्या हुआ, एक आया। अब दूसरा बार देखिएगा हमको एक मान रखना है, तो हम चलेंगे फिर सवाल यही रहेगा p इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक। तो चलिए p इंटू अभी मान हमको एक रखना है तो एक रखेंगे, बराबर y की जगह पे एक, तो एक का स्क्वायर माइनस एक प्लस एक। p इंटू एक बराबर एक का स्क्वायर यानी अगर एक गुना एक करे तो क्या होता है, एक ही होगा, तो एक माइनस एक प्लस एक। तो देखिएगा ये इसके पहले प्लस, अब ये भी प्लस, तो हम चाहें तो इसको जोड़ दें, नहीं तो इसको ये दोनों को काट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसके पहले प्लस ये माइनस दोनों काट दिए, क्या बचा, एक बच गया, ये भी आंसर हुआ। अब देखिएगा अबरी हमको मान कितना रखना है, दो मान रखना है। फिर p इंटू वाई बराबर क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक। चलिए अभी मान दो रखना है, दो बराबर वाई की जगह पे दो है तो दो का स्क्वायर माइनस दो प्लस एक। पी इंटू टू बराबर दो का दो बार करना है यानी दो गुना दो, तो दो गुना चार हो जाएगा, तो चार माइनस दो है दो प्लस एक है एक। पी इंटू टू बराबर चार, अब एक जोड़ देंगे पाँच हो जाएगा, माइनस दो है दो। पी इंटू टू बराबर क्या होगा, पाँच में दो घटा कितना होगा तीन, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखेंगे दूसरा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर ध्यान देंगे, दूसरा नंबर है p इंटू टी। पी इंटू टी बराबर दू प्लस टी प्लस टू टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यू। तो देखिएगा सबसे पहले हमको मान और टी का मान रखना है, तो टी का मान पहले जीरो रखेंगे, फिर एक रखेंगे, फिर दो मान रखेंगे। तो सबसे पहले जीरो रखना है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। टी का मान जीरो रखेंगे, बराबर दो है दो प्लस टी के जगह पे हमको जीरो रखना है, ठीक है, इंटू में रख देते हैं इसको, प्लस दो गुना टी का मान हमको जीरो रखना है, तो जीरो का स्क्वायर माइनस टी के जगह पे जीरो रखना, तो जीरो का होल क्यू। पी इंटू जीरो बराबर देखिएगा दो है दो प्लस जीरो है जीरो प्लस दो गुना जीरो के अगर दो बार करेंगे जीरो गुना जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, माइनस अगर जीरो को तीन बार करेंगे तो भी जीरो ही होगा ना। पी इंटू जीरो बराबर देखिएगा यहाँ पे अगर दो में अगर जीरो जोड़ने जाए तो दो ही रहेगा, प्लस दो में अगर जीरो से गुना करें क्या होगा, जीरो होगा, माइनस जीरो है जीरो, ये खत्म हो जाएगा। पी इंटू जीरो बराबर क्या हुआ, दो आंसर आया, ठीक है। अब हमको फिर क्या करना है, अबरी टी का मान हमको कितना रखना है, एक रखेंगे। तो चलिए फिर हम सवाल लिखेंगे p इंटू टी बराबर क्या है, दो प्लस टी प्लस दो टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यू। तो p इंटू अबरी टी का मान कितना रखना है, एक रखना, तो एक रखेंगे, बराबर दो है दो प्लस एक प्लस दो गुना टी का मान एक रखना, तो एक का स्क्वायर माइनस टी का मान एक रखना, तो एक का होल क्यू।
पी इंटू एक बराबर देखिएगा दो अब एक को अगर जोड़े तो कितना होगा तीन प्लस है प्लस दो है दो गुना अगर एक को दो बार करें एक गुना एक तो क्या आएगा एक ही आएगा माइनस है माइनस अगर एक को हम तीन बार भी करेंगे तो क्या आएगा एक ही आएगा ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे पी इंटू टी बराबर तीन है तीन प्लस दो में एक से गुना करेंगे तो दो ही होगा माइनस एक है एक पी इंटू टी बराबर तीन और दो जोड़ेंगे तीन दो पाँच माइनस एक पी इंटू टी बराबर पाँच में से एक घटाएंगे चार ठीक है। अब हमको करना क्या है अब पी का मान कितना रखना है दो रखना है कितना रखना है दो रखना है तो चलेंगे फिर अब सवाल हम लिखेंगे सवाल हमारा यही है p इंटू टी बराबर दो प्लस टी प्लस दो टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यू p इंटू टी का मान कितना रखना है दो रखना है तो दो रखेंगे बराबर दो प्लस टी टी का मान कितना रखना है दो प्लस दो गुना टी का मान दो का स्क्वायर माइनस टी का मान दो का होल क्यू पी इंटू टू बराबर यहाँ पे देखिएगा दो और दो जोड़ देंगे चार हो जाएगा प्लस दो गुना दो के दो बार करेंगे दो दुना चार माइनस दो के तीन बार करना है यानी दो गुना दो दो दुना चार चार दुना आठ हो जाएगा ठीक है। अब देखिएगा पी इंटू दो बराबर यहाँ पे देखिएगा चार है चार प्लस है प्लस दो चौका गुना करेंगे दो चौका आठ माइनस आठ हो जाएगा तो पी इंटू टू बराबर देखिए देखिएगा इसके पहले प्लस इसके पहले माइनस इसके पहले प्लस ये दोनों काट देंगे यहाँ क्या बचेगा चार ये हमारा क्या होगा आंसर यानी पहला बार दो आया दूसरा बार चार आया तीसरा बार फिर चार आया। चलिए तो अब हम लोग दूसरा भी देख लिए अब देखेंगे हम लोग तीसरा ध्यान से समझिएगा ठीक है। अब देखेंगे हम लोग दूसरा का है तीसरा प्रश्न तीसरा नंबर में है p इंटू एक्स बराबर एक्स क्यू। चलिए आसान है सबसे पहले हमको x का मान जीरो रखना है तो चलिए इसको हम हल करते हैं p इंटू एक्स का मान जीरो रखेंगे बराबर x के जगह पर जीरो है जीरो का होल क्यू p इंटू जीरो बराबर जीरो का अगर तीन बार करेंगे तो जीरो ही आएगा ना। अबरी चलिएगा फिर अबरी में हमको कितना मान रखना है एक मान रखना है तो चलिए सवाल हमारा पी एक्स बराबर एक्स क्यू ही है p इंटू एक्स का मान एक रखेंगे बराबर x का मान एक रखना तो एक का होल क्यू p इंटू एक बराबर अगर एक को तीन बार करें एक गुना एक तो क्या आएगा एक ही होता है तो चलिए एक आंसर हो जाएगा। अब हमको करना क्या है x का मान कितना रखना है दो रखना है तो सवाल हमारा p इंटू एक्स बराबर क्या है x का क्यू तो p इंटू एक्स का मान कितना दो रखना है बराबर दो का होल क्यू तो p इंटू टू बराबर क्या दो के तीन बार यानी दो गुना दो तो दो दुना चार चार दुना आठ यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट है इसका चौथा नंबर ठीक है। चलिए देखिएगा दूसरा का चौथा है p इंटू एक्स बराबर एक्स माइनस एक और x प्लस एक। चलिए सबसे पहले हम लोग x का मान जीरो रखते हैं तो चलिए p इंटू एक्स का मान जीरो बराबर x के जगह पे जीरो माइनस एक x के जगह पे जीरो प्लस एक तो p इंटू जीरो बराबर अगर जीरो में से एक घटाए तो ये माइनस एक ही रहेगा अब जीरो में प्लस करेंगे तो एक ही रहेगा ना प्लस में तो p इंटू जीरो बराबर यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है गुना का चिन्ह है। अब यहाँ पे देखिएगा इसके पहले माइनस इसके पहले प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है एक में एक से गुना करेंगे तो एक आंसर हो जाएगा। अब करना क्या है फिर अभी हमको एक्स का मान एक रखना है ना तो चलिए p इंटू एक्स बराबर सवाल हम लिखेंगे पहले x माइनस एक और x प्लस एक
चलिए पी इंटू एक्स का मान एक रखना है, एक्स का मान एक माइनस एक हो जाएगा और एक प्लस एक हो जाएगा। पी इंटू एक बराबर एक में से एक घटाएंगे जीरो हो जाएगा और एक अब एक दो हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, इंटू इंटू हुआ ना गुना का चिन्ह। पी इंटू एक बराबर जीरो में अगर दो से गुना करें तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखिएगा हमको फिर करना क्या है, अब एक्स का मान हमको दो रखना है, ठीक है, कितना रखना है दो रखना है। तो p इंटू एक्स बराबर एक्स माइनस एक और एक्स प्लस एक, ये तो हमारा सवाल है। p इंटू मान रखेंगे दो बराबर दो माइनस एक और यहाँ हो जाएगा दो प्लस एक। p इंटू टू बराबर क्या हो जाएगा, दो में से एक घटाएंगे एक बचेगा और दो अब एक तीन हो जाएगा। यहाँ इंटू का मतलब कुछ नहीं तो गुना, p इंटू टू बराबर एक में अगर तीन से गुना करें तो क्या आएगा, तीन आएगा। चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन भी बना लिए और दूसरा क्वेश्चन भी बना लिए, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर है, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में, निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो देखिएगा पहला नंबर सवाल है, ठीक है, अब इसका हम लोग पहला देखेंगे। पहला है p इंटू एक्स बराबर तीन एक्स प्लस एक, इसमें दिया हुआ है कि x बराबर माइनस एक बटा तीन रखना है। तो चलिए यहाँ पे सवाल क्या बोला है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है, इसको हम सोल्व करेंगे। अगर इसका मान जीरो आ जाएगा तो लिखेंगे कि हाँ शून्यक है, अगर जीरो नहीं आया तो लिखेंगे शून्यक नहीं है। तो चलिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। तो पी इंटू देखिए यहाँ पे x का मान बोला है कितना रखने के लिए, माइनस एक बटा तीन बराबर तीन गुना x का मान हमको रखना है माइनस एक बटा तीन प्लस एक है एक। अब देखिएगा तीन है यहाँ पे, देखिएगा तीन और नीचे तीन, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे माइनस एक और प्लस एक बचा, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा, कुछ नहीं था जीरो। तो क्या जीरो आया, तो आ गया। तो हम लोग लिखेंगे कि हाँ x बराबर कितना मान था, माइनस एक बटा तीन बहुपद का शून्यक है। अगर जीरो आ जाएगा तो लिखेंगे शून्यक है, और जीरो नहीं आया तो लिखेंगे शून्यक नहीं है। अब देखेंगे दूसरा सवाल, दूसरा नंबर है कि p इंटू एक्स बराबर पांच एक्स माइनस पाई बराबर x बराबर चार बटा पांच। अब यानी कि जहां जहां x रहेगा वहां वहां हम लोग चार बटा पांच मान को बैठाएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, p इंटू एक्स का मान हमको चार बटा पांच रखना है बराबर पांच गुना एक्स का मान कितना रखना है, चार बटा पांच माइनस पाई है, पाई रहने देंगे, ये पांच से ये पांच कट जाएगा। पी इंटू चार बटा पांच बराबर चार, यहाँ पे माइनस पाई बच गया। तो यहाँ पे देखिए क्या जीरो आया है, नहीं आया है, तो लिखेंगे हम लोग कि नहीं एक्स बराबर कितना मान था, चार बटा पांच बहुपद के शून्यक नहीं है।
क्योंकि जीरो नहीं आया है। अब चलिए हम लोग देखेंगे तीसरा को। देखिएगा तीसरा नंबर, तीसरा नंबर है p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक। अब हमको बोला है कि x बराबर एक रखना है और दूसरा बार माइनस भी ना माइनस एक भी रखना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे इसको दो बार करना होगा सॉल्यूशन, पहला बार एक रखना होगा, दूसरा बार माइनस एक रखना है। तो चलिए p इंटू पहला बार हम एक रखेंगे, एक बराबर एक्स के जगह पर एक का स्क्वायर माइनस एक, पी इंटू एक बराबर अगर एक के स्क्वायर करें यानी एक गुना एक करें तो क्या आएगा, एक ही आता है माइनस एक है, पी इंटू एक बराबर का एक में से घटाएंगे जीरो, आ गया ना। अब देखिएगा फिर हमको माइनस एक अभी भी रखना है तो सवाल लिखेंगे पी इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक, तो पी इंटू एक्स का मान अब कितना रखेंगे, माइनस एक रखेंगे बराबर माइनस एक का स्क्वायर माइनस एक, पी इंटू माइनस एक बराबर माइनस एक का। अगर दोबारा करें माइनस एक गुना माइनस एक तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुना में और एक कम एक हो जाएगा यानी एक ही रहेगा माइनस एक, पी इंटू माइनस एक बराबर क्या आया, जीरो ही आया। ठीक है, यहाँ भी जीरो आ गया और यहाँ भी जीरो आ गया, तो क्या देखिए दोनों जगह जीरो आया है ना, मान आया है, तो लिखेंगे कि हाँ, क्या लिखेंगे कि हाँ x बराबर पहला बार कितना एक और फिर माइनस एक बहुपद के शून्यक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा चौथा, चौथा नंबर में है कि p इंटू x बराबर x प्लस एक और x माइनस दो। हमसे बोला है कि x बराबर माइनस एक रखने के लिए और दूसरा बार दो रखने के लिए, तो चलिए सबसे पहले हम x का मान माइनस एक रखेंगे और दूसरा बार x का मान दो रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग, ये कौन सा प्रश्न, ये चौथा प्रश्न है, चार नंबर। ठीक है, तो देखिएगा p इंटू एक्स का मान पहले माइनस एक रखेंगे बराबर माइनस एक प्लस एक हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एक माइनस क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो p इंटू माइनस एक बराबर, यहाँ पे देखिएगा माइनस एक है, यहाँ पे प्लस एक है, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों घट जाएगा, तो कितना होगा जीरो। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस ए भी है, माइनस ए भी है तो माइनस माइनस जुट जाता है ना, तो माइनस एक और दो कितना हो जाएगा तीन। यहाँ पे देखिएगा इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो पी इंटू माइनस एक बराबर जीरो में अगर तीन माइनस तीन से गुना करें तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा। अबरी में देखिएगा फिर हमको बोला है कि अबरी में हमको दो रखना है एक्स का मान, तो चलिए पी इंटू एक्स बराबर सवाल यही रहेगा एक्स प्लस एक और x माइनस दो, तो p इंटू एक्स का मान अब दो रखना है बराबर यहाँ पे दो प्लस एक हो जाएगा और यहाँ पे दो माइनस दो हो जाएगा, तो p इंटू दो बराबर दो अब एक कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा और दो में से दो घटाएंगे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे इंटू का मतलब कुछ नहीं था, इंटू का मतलब गुना, तो p इंटू टू बराबर जीरो में तीन से गुना करेंगे तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पे पहला बार हम माइनस एक रखे तो भी जीरो आया और हम दो रखे तो भी जीरो आया, तो हम ये शून्य होगा, तो लिखेंगे हम लोग कि हाँ x बराबर पहला बार माइनस एक और दूसरा बार दो है, बहुपद के शून्य है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या पांच को देखेंगे, तीसरा का पांचवा, तीसरा का ही पांचवा ना। चलिए
पांचवा नंबर देखिएगा, पांचवा नंबर में है p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और हमको बोला है कि x बराबर जीरो रखना है। एकदम आसान है, तो देखिएगा इसको सॉल्यूशन करेंगे। p इंटू एक्स का मान जीरो रखिए बराबर x का स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर, तो p इंटू जीरो बराबर क्या है, जीरो आ गया, बस इतना ही है। चलिए जीरो आ गया तो लिखेंगे कि हाँ x बराबर जीरो बहुपद के शून्यांक है। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अब देखिएगा छठा नंबर, चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। पांचवा के बाद छठा देखेंगे हम लोग। छठा नंबर देख लेते हैं, छठा नंबर है p इंटू एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम और हमको मान रखना है एक्स बराबर माइनस एम बटा एल। चलिए जैसे हम लोग प्रश्न संख्या ये बनाते चले आ रहे हैं उसी तरह इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, इसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है। p इंटू एक्स का मान चलिए रख दीजिए माइनस एम बटा एल बराबर एल इंटू एक्स का मान रखना है माइनस एम बटा एल, ठीक है, प्लस एम है एम। पी इंटू माइनस एम बटा एल बराबर यहाँ पे देखिएगा ये एल से ये एल कट जाएगा, यहाँ पे बचा माइनस एम और प्लस एम, तो ये एम के पहले प्लस ये एम के पहले माइनस, एगो प्लस एगो माइनस, तो प्लस माइनस भी कट जाएगा। तो पी इंटू माइनस एम बटा एल बराबर कुछ नहीं था जीरो बचा, इसका भी मान जीरो आया। तो लिखेंगे कि हाँ एक्स बराबर माइनस एम बटा एल बहुपद के शून्यांक हैं, ये क्या हुआ, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग सातवां को देखेंगे। सातवां नंबर में है, सातवां नंबर में है p इंटू एक्स बराबर तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक और इसमें बोला है कि x बराबर पहला बार हमको रखना है माइनस एक बटा रूट तीन और दूसरा बार रखना है दो बटा रूट तीन। तो चलिए ये भी जैसे हम लोग ये सब सवाल बनाते आ रहे हैं उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग x का मान माइनस एक बटा रूट तीन रखेंगे, तो यहाँ पे p इंटू एक्स का मान माइनस एक बटा रूट तीन रख दीजिए बराबर तीन है तीन गुना एक्स का मान रखना है माइनस एक बटा रूट तीन का स्क्वायर करेंगे माइनस एक है एक करेंगे। पी इंटू माइनस एक बटा रूट तीन बराबर यहाँ पे देखिएगा तीन है तीन गुना, अब माइनस एक को दो बार कर लिखना है ना, तो माइनस एक गुना माइनस एक करेंगे तो माइनस माइनस गुना होके प्लस हो जाता है और एक में एक से गुना करेंगे तो एक ही रहेगा बट्टा। यहाँ पे देखिएगा रूट तीन को दो बार लिखना है, समझिएगा अच्छा से, रूट तीन गुना रूट तीन, अगर इसको हम लोग गुना करें तो क्या हो जाएगा, तीन तिहाई नौ, रूट नौ होता है और जब रूट नौ का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो तीन होता है, तो यहाँ पे हम तीन लिख देंगे। अब यहाँ पे माइनस एक है, यहाँ पे देखिएगा ये तीन से ये तीन कट जाएगा, समझ में आ रहा है ना, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे पी इंटू माइनस एक बटा रूट तीन बराबर यहाँ एक माइनस एक बचा, यहाँ पे देखिए ये एक के पहले माइनस, अब ये एक के पहले कुछ नहीं था प्लस रहता है, ये भी कट जाएगा प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस कटेगा, पी इंटू माइनस एक बटा रूट तीन बराबर क्या आया, जीरो आया। चलिए पहला बार तो जीरो आया, अब हमको एक्स का मान दो बटा रूट तीन रखना है। चलिए इसको मिटा के इधर बता रहे इसका हमें, ठीक है, देखिएगा अब इधर बता रहे हैं, ठीक है ना, सवाल यही रहेगा p इंटू फिर ना, फिर p इंटू एक्स बराबर तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक,
तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक। अब हमको मान रखना है दो बटा रूट तीन रखेंगे, तो चलिए सोल्यूशन इसी तरह करना है। p इंटू एक्स का मान रखिए दो बटा रूट तीन बराबर तीन है तीन गुना एक्स का मान कितना रखना है दो बटा रूट तीन का स्क्वायर है स्क्वायर देंगे माइनस एक है एक। p इंटू दो बटा रूट तीन बराबर हो जाएगा तीन गुना दो के दो बार यानी दो गुना दो दो दुना चार हो जाएगा बट्टा रूट तीन को दो बार रूट तीन गुना रूट तीन उसी तरह रूट क्या हो जाएगा नौ हो जाएगा नौ का वर्गमूल तीन हो जाएगा तो यहाँ तीन लिखेंगे माइनस एक हो जाएगा ये तीन से ये तीन कट जाएगा। p इंटू दो बटा रूट तीन बराबर यहाँ चार है और माइनस एक है p इंटू दो बटा रूट तीन बराबर चार में से एक घटाएंगे कितना बचा तीन बचा। तो यहाँ पे देखिएगा जब हम x का मान माइनस एक बटा रूट तीन रखें तो हमारा मान जीरो आया और जब हम दो बटा रूट तीन रखेंगे तो मान जीरो नहीं आया। तो इसको हम लिखेंगे, चलिए इसको लिखेंगे हम लोग कि माइनस एक बटा रूट तीन, चूंकि माइनस एक बटा रूट तीन बहुपद का शून्यक है परंतु यहां पे देखिएगा अब कितना मान रखे थे हम लोग परंतु दो बटा रूट तीन बहुपद का शून्यक नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। कहे नहीं है क्योंकि जब हम x का मान माइनस एक बटा रूट तीन रखे तो जीरो आया लेकिन जब दो बटा रूट तीन रखे तो मान जीरो नहीं है। इसीलिए लिखेंगे ना कि माइनस एक बटा रूट तीन बहुपद का शून्यक है परंतु दो बटा रूट तीन बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए अब एक लास्ट है तीसरा का आठवां, ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों आठवां है p इंटू एक्स बराबर दो एक्स प्लस एक। अब हमको x का मान एक बटा दो रखना है तो चलिए जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं उसी तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग खुद से बनाइएगा इसके बाद इसको देखिएगा आप, ठीक है चलिए। तो यहाँ पे p इंटू एक्स का मान हमको एक बटा दो रखना है बराबर दो गुना एक्स का मान एक बटा दो रखेंगे प्लस एक है ये दो से ये दो कट जाएगा p इंटू एक बटा दो बराबर यहाँ एक है और प्लस एक है तो p इंटू एक बटा दो बराबर एक अब एक दो आ गया तो क्या इसका मान जीरो आया नहीं आया। तो हम लिखेंगे कि नहीं x बराबर एक बटा दो बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। काहे नहीं है क्योंकि इसका मान जीरो नहीं आया है ना। चलिए अब प्रश्नावली 2.2 का चौथा प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा चौथा नंबर में है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसका पहला नंबर है
पी इंटू एक्स बराबर एक्स प्लस पाँच, एक्स प्लस पाँच। दूसरा नंबर में है पी इंटू एक्स बराबर एक्स माइनस पाँच, और तीसरा नंबर में है पी इंटू एक्स बराबर दो एक्स प्लस पाँच। देखिएगा एकदम आसान सा सवाल है, ठीक है। चलिए तो इसका शून्य को ज्ञात करना है ना, तो चलिए तो ये हमारा सवाल है, क्या है x प्लस पाँच बराबर शून्य का मतलब जीरो। तो x बराबर ये जीरो है, ये जीरो, अब ये जो प्लस में उसको जब बराबर की उस तरफ ले जाते हैं तो वो माइनस हो जाता है, तो माइनस पाँच हो गया। तो x बराबर, तो ये जीरो में से पाँच नहीं घटेगा तो ये माइनस पाँच ही रह जाएगा, ये हमारा क्या होगा आंसर। अब देखिएगा इसको जब हम लोग बनाएंगे इसी तरह बनाना है, x माइनस पाँच बराबर क्या रखेंगे जीरो रखेंगे। तो x बराबर जीरो है, ये माइनस में रहेगा काम हो जाएगा प्लस में, यानी x बराबर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा पाँच हो जाएगा। अब देखिएगा इसको सॉल्यूशन करते हैं, दो एक्स प्लस पाँच बराबर क्या रखना है जीरो रखना है। तो दो एक्स बराबर जीरो है जीरो, ये प्लस में पाँच है इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो दो एक्स बराबर माइनस पाँच होगा, तो एक्स बराबर माइनस पाँच, और ये गुणा में है तो ये भागा में हो जाएगा, यानी एक्स बराबर माइनस पाँच बटा दो। अब देखिएगा तीसरा देख लिए, अब हम लोग देखते हैं चौथा। चौथा नंबर में है पी इंटू एक्स बराबर तीन एक्स माइनस दो। चलिए इसको बनाते हैं सॉल्यूशन, तीन एक्स माइनस दो बराबर क्या करना है जीरो। तो तीन एक्स बराबर जीरो है, ये दो प्लस सॉरी माइनस में है तो ये प्लस में दो हो जाएगा, तो तीन एक्स बराबर जीरो में दो जोड़ेंगे तो दो ही रहेगा, तो एक्स बराबर ये दो और ये गुणा में है तो ये भागा में नीचे आ जाएगा ना। चलिए चौथा के बाद पांचवा देखेंगे, तो पांचवा नंबर में है पी इंटू एक्स बराबर तीन एक्स, ये है। तो अब इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो तीन एक्स बराबर जीरो लिखेंगे, तो एक्स बराबर ये जीरो, ये गुना में है तो ये भागा में बट्टा में आ जाएगा। अब पांचवा के बाद छठा देखिएगा, छठा नंबर में है पी इंटू एक्स बराबर ए एक्स, ए एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बराबर जीरो नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा इसको, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ए एक्स बराबर जीरो लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम ए एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर लिखेंगे जीरो है जीरो, अब ये ए यहाँ बट्टा में आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा आंसर। अगर इसको हम काटने जाएं तो एक्स बराबर ए में जीरो से भागा दें तो जीरो ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब देखिएगा इसका लास्ट है सातवा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा सातवा नंबर में है पी इंटू एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, सी बराबर जीरो नहीं है, ठीक है, कॉमा सी कॉमा डी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे देखिएगा सी एक्स प्लस डी बराबर क्या करना है जीरो करना है। तो सी एक्स बराबर जीरो है जीरो, ये डी प्लस में है ये इधर ले जाएंगे तो माइनस में डी हो जाएगा, सी एक्स बराबर तो क्या हुआ माइनस डी, तो एक्स बराबर करेंगे तो माइनस डी बटा सी हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर, डी बटा सी ना। चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को पूरा कंप्लीट कवर कर ले, ठीक है। तो हमारा इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।